लेकिन भौजी बाप जी, आपने किसी का दिल चुरा लिया और दिल चुरा कर आप यूं ही अकेले छोड़ कर आप वापस जा रहे हैं। स्वामी, ये तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं दे रहा। इसका मतलब यह नहीं कि मैं ईशान भूल जाऊं और बाबा के मस्तक पर दाग लगा लूं। नहीं, इसमें दाग लगाने की बात नहीं है। नहीं सभी, हाँ मुसीबत में काम आऊंगा, हर परेशानी में मदद करूंगा, लेकिन मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा। हर छोड़ कर जाते कहां दिल को चुराए निभाना भी जानता हूँ। हो सकता हो मैं निभाना पाऊँ? क्यों नहीं निभा पाओगे? नहीं, आप तो बड़े आदमी हैं। ऐसा भी हो और प्यार उल्फत का निभाना कोई Oh!
मेरे बापूजी मेरी शादी कैसे करेंगे? आप तो जानते हैं कि मेरे बापूजी बूढ़े हो चुके हैं, अब वो चीजों का स्वीकार भी नहीं कर पाते। जहां भी शादी के लिए जाते हैं लोग दहेज की मांग करते हैं, मेरी शादी कैसे? तुम फिकर क्यों करती हो? मैं मदद करूंगा, तुम आओ। रहने दीजिए, मैं समझ गई कि आप मेरे प्यार को क्यों पुकार रही हैं, क्योंकि मैं एक गरीब लड़की। शादी बात अमीरी और गरीबी की नहीं है। तुम सोच रही हो कि मैं एक गरीब लड़की हूं इसलिए तुम्हारे प्यार को ठुकरा रहा, ऐसा नहीं। इंसान दौलत से अमीर नहीं होता, जिसके पास दिल होता है वो सबसे बड़ा अमीरी इंसान होता है। तुम्हारे अंदर दिल है, प्यार है, मोहब्बत है, सिर्फ दौलत नहीं है। लेकिन तुम सबसे बड़ी अमीर हो। मैं तो ये सोच रहा हूं कि कहीं बाबा के दिल पर ठेस न पहुंचे। ठीक है, जब ये बात है तो जा रहा हूं, वापस आऊंगा, बाबा से बात करूंगा और शादी बचाऊंगा। इतने दिनों तक मैं क्या दिलासा लेकर बैठ लूंगी कि आप इसे प्यार भी करते हैं और शादी भी करेंगे? तो फिर तुम्हें विश्वास कैसे होगा? हाजी बाबू जी, अगर आप मुझे विश्वास दिलाना चाहते हैं तो आप अपने पैर के नीचे की मिट्टी को मेरी मांग में सजाएं, बस मैं उसी के सहारे बैठी रहूंगी और आपके आने का इंतजार करूंगी। ठीक है, ये बात है तो मैं अपने पैर की धूल को सिंदूर और भगवान को साक्षी मानकर तुम्हारी मांग को सजा रहा हूं। लेकिन ये जो कुछ करने जा रही हूं मैं अपने बापू जी की चुनौती से करने। तुम डरो नहीं, बाबा से पता देना, इसमें डरने की बात नहीं। तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर लगा दूंगा। जी बाबू जी, इस गरीब को भूलने जाना। शायद तुम तो ऐसी बात करती हो, मैं भूल सकता हूं ऐसा कभी ख्वाब में नहीं हो सकता। मेरे पास आओ। और हम तुम चोरी थे, बंधे के डोरी थे, जइयो कहां ऐ चोरी से बंधे के डोरी
इंतजार कर रहे हैं और अब मैं जा रहा हूं। लेकिन भौजी भौजी जा तो रहे हो लेकिन बहुत जल्द ना मैं आपके आने का इंतजार कर रहा हूं। बहुत जल्द आऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप चले जाए तो इस गरीब को फूट जाए। शामी तो घबराओ नहीं, शायद तुम्हें मेरा परिचय नहीं मालूम। भौजी भौजी हाँ ये तो मैं भूल गई, आपका शुभ नाम क्या है मैं? और आप रहने वाली कहाँ? मैं जान गया कि तुम भूल गई हो। सारी लोग हमें रवि प्रताप सिंह के नाम से जानते हैं। नाम तो बहुत प्यारा है। और मेरी ड्यूटी खैरागढ़ रियासत के बॉर्डर पर है, कभी और किसी वक्त मिलने की इच्छा हो तो बॉर्डर पे आ जाना और किसी सिपाही से दरियात करना, वो मेरे पास पहुंचा देगा। ठीक है भौजी भौजी, लेकिन गरीब को वो ले जाना नहीं तो ये बेचारी आपके बिना मर जाए। अरे बलमान ललवा सिपहिया, अरे बलमान ललवा सिपहिया, जो जाए पहली बारे बलमान ललवा सिपहिया गुजर गए लेकिन साहब का कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं चला दोस्त। चलो आज के दिन इंतजार करते हैं, साहब आते हैं तो ठीक, नहीं तो रात दरबार चलकर महाराज। ये बताओ शेर डाकू विषय में क्या हुआ? साहब आपने हम लोगों की ड्यूटी दक्षिण साइड लगा दिया, हम लोग दक्षिण साइड काफी दूर निकल गए लेकिन सेराज सिंह डाकू हम लोगों के हाथ नहीं लगा साहब। लेकिन तुम लोगों को ये नहीं मालूम कि उस दिन मेरे साथ क्या हादसा हुआ? क्या हुआ साहब? जब तुम लोगों की ड्यूटी दक्षिण की तरफ लगाया और बीघा की तरफ बढ़ा तो एक छाड़ी की तरफ से किसी ने गोली चलाई। क्या गोली चलाई? हाँ, और वो गोली मेरे दाहिने भुजा पर लगी। फिर क्या हुआ? मैं जख्मी हो गया, उसी जगह तड़प रहा था, चीख रहा था, तुम लोगों को आवाज लगाया लेकिन कोई मदद करने के लिए नहीं आया। सौभाग्य की बात, एक बंसु पहलिया और उसकी बेटी उसी जंगल में चिड़ियों का शिकार करने आए थे, सही वक्त पर मेरे पास पहुंच गए। वो उठाकर अपनी झोपड़ी लेकर गए, बाप बेटी मिलकर इलाज करवाया, तब मैं ठीक हुआ। आपके साथ तो ऐसा हुआ लेकिन हम लोग जब जंगल से वापस आ रहे थे साहब तो हम लोगों को रास्ते में एक शमशेर मिली साहब। क्या शमशेर? जी साहब। वो शमशेर कहाँ? ये रही साहब।